हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगेन विद आवर करंट अफेयर्स सेशन। न्यू वीक, न्यू एनर्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइंस के साथ अपने नए वीक की। ही हु इज़ नॉट अ गुड सर्वेंट विल नॉट बी अ गुड मास्टर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। और आज है 31 जुलाई। ठीक है, और कल है 1 अगस्त। तो कल से बहुत कुछ चेंज होने वाला है, आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे आपके करंट अफेयर सेशन में। सो बी रेडी फॉर दी चेंजेस। ठीक है गाइस, और चलिए आज कंप्लीट करते हैं अपना 31 अगस्त का करंट अफेयर सेशन। आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट करा है 17th फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली ऑन 27 जुलाई। तो 17th फाउंडेशन डे है जो वो मनाया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, पृथ्वी भवन हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लॉन्च करे सेवरल सेंटर सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव टू मार्क दिस ओकेजन। ये आप फोटो में देख सकते हैं, 17th फाउंडेशन डे। द रिसोर्सिस एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में RECEIC। ठीक है, इसे लॉन्च करा गया है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसे लॉन्च करा है? ठीक है, तो इसे लॉन्च करा है श्री भूपेंद्र यादव ने। द रिसोर्सिस एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है, जो RECEIC है ना, एक हाल ही में लॉन्च हुआ है और एक इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव है। और इसका एम क्या है, ये प्रमोट करे ताकि रिसोर्सेज की एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस ग्लोबली। ठीक है, कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, और उन्हें वेस्टेज नहीं करना है। और ये कोलिशन बना है ना, इसका विज़न यही है कि सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी बनाया जाए इस ग्रुप को। ठीक है, जो कि ये कंटिन्यू रहेगा, जो इंडिया की G20 प्रेजिडेंसी उसके बाद भी ये ग्रुप कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट को लेके डेवलपमेंट करी जा सके। और इसमें 39 कंपनीज हैं। ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर 11 कंट्रीज़ में हैं। उन सब कंट्रीज ने मिलके इसे फॉर्म किया है। ठीक है, उन मेंबर्स ने, तो आप देख सकते हैं 39 मेंबर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, और इंडिया की G20 प्रेजिडेंसी के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। और इस कोलिशन के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है, क्या है, पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड फाइनेंस फॉर स्केल। अंडर दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ लॉन्च हाउ मैनी माइक्रो साइट प्रोजेक्ट टू प्रमोट डिजिटल हेल्थ अडोप्शन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 माइक्रो साइट्स को लॉन्च करा है ताकि वो प्रमोट कर सके डिजिटल हेल्थ अडोप्शन। ठीक है, तो आप इन 100 माइक्रो साइट्स पर जाके डिजिटल हेल्थ का फ़ायदा जाके उठा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दिया। ठीक है, आपको बता रहा हूँ उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हुएन सैन। और इन्होंने ऑलमोस्ट 4 डिकेड, लगभग 40 साल इन्होंने रूल करा है कंबोडिया में। ठीक है, और अभी भी जब ये रूल पास ऑन कर रहे हैं तो अपने बेटे को ये रूल पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो हुएन सैन इनका नाम था। ठीक है, और इनके बेटे का नाम है हुन मैनेत। तो 10 अगस्त को उसे ये पावर सौंप देंगे। ठीक है, और इन्होंने 4 डिकेड रूल करा है कंबोडिया में। ठीक है, और कोई ऑपोजिशन पार्टी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन भी हुए हैं, वो भी अनकॉम्पिटेटिव ही है। अगर हम कंबोडिया की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है फ्नोम फेन और करेंसी है रियल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंबोडिया ये रहा आपका मैप में, थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है लाओस के साथ। इंडिया और ADB ने रिसेंटली लोन एग्रीमेंट साइन करा है। ठीक है, तो आपको बताना है वो लोन कितने अमाउंट का है। ठीक है, और वो साइन क्यों करा गया है, क्योंकि अपग्रेड करना है कितने किलोमीटर का स्टेट हाईवे इन बिहार। तो बिहार में स्टेट हाईवे अपडेट करने के लिए, ठीक है, कितने मतलब रुपीज़ का, कितने डॉलर का एग्रीमेंट साइन करा गया। तो ये करा गया 295 मिलियन डॉलर का लोन साइन करा गया है फॉर 265 किलोमीटर हाईवे, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है, लोन अमाउंट है 295 मिलियन। स्टेट हाईवे की जो डेवलप किया जाएगा वो है 265 किलोमीटर। कहाँ पे किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, द प्रोजेक्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार प्रोग्राम टू अपग्रेड ऑल स्टेट हाईवे टू स्टैंडर्ड 2 लेन विड्थ एंड इम्प्रूव रोड सेफ्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बिहार की बात कर लेते हैं, कैपिटल पटना है, चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान कैंपेन इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, और कैंपेन रन किया जाएगा पूरी कंट्री में, एंड क्या है कि पूरे यूथ सेलेक्ट किया जाएगा पूरी कंट्री से। ठीक है, एंड अराउंड 7,500 ब्लॉक अक्रॉस द कंट्री विल गैदर फॉर द प्रोग्राम एट दिल्ली कर्तव्य पथ। ठीक है, आपको बता दें कि अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट हुआ था मार्च 12, 2021 से। ठीक है, मेटा, ठीक है, जिसे आप पहले फेसबुक के नाम से जाना करते थे, उन्होंने MOU साइन कराया इंडियन गवर्नमेंट के साथ ताकि वो कोलैबोरेट कर सके कौन सी पर्टिकुलर एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो उन्होंने कराया कोलैबोरेट ऑन AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में मेटा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कराया। ठीक है, इंडियन ऑफिशियली AI प्रोग्राम इंडियन AI एंड मेटा में ऑल्सो कंसिडर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू नर्चर द AI स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। आपको बताना है कि पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर इनोग्रेट करा है आर्मी पोस्टल सर्विस कोप ने, तो वो कहाँ पे करा है? ठीक है, इनका पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर तो वो करा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और UIDAI ने हैव सपोर्टेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस PACs इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड टेक सपोर्ट। और ऐसे 48 PACs, ठीक है, विल बी फंक्शनल इन बोथ फील्ड एंड पीस लोकेशन, फंक्शन करेंगे दोनों ही फील्ड, चाहे पीस हो चाहे फील्ड लोकेशन में। ठीक है, आपको बताना है ऑन विच डेट वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को, और इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। और ये इंपॉर्टेंट डेज है, ठीक है, हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे था, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। हु इनोग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इन ग्रेटर नोएडा? तो ये इनोग्रेट करी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। ठीक है, इतनी ध्यान रखेंगे। और ये इवेंट इंडिया में पहली बार होने जा रहा है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ यार शेयर कीजिए दूसरों के साथ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह, ठीक है, अपने नए इंटरेस्टिंग करंट अफेयर सेशंस के साथ। तब तक टेक केयर।